नाज़िन सिंध में तूफानी बरसातों ने बोड का अजन का महरूम थियल मारूअड़ा मलीर में पहुंची व्या। लारकाणे कंबर शिदात कोट का आयल मुतासर पिपरी के न्यू अल्लाह बख्श हिमायती के सरकारी स्कूल में रिहायश अख्तियार कर वरती है। उन्हीं हवाले से दिसो था मंजूर सोलंगी की रिपोर्ट। तूफानी बरसातों का पोए माल मिल्कियतुन अजन का मेरूम थी वेल मारूड़ा लाड़कानो कंबर शहदाद कोट का कराची पहुंची व्या। गुजरियल रात पिपरी के न्यू अल्लाह बख्श हिमायती गोठ के सरकारी स्कूल में केतरन ही कुटुंबन रिहायश इख्तियार कई है। बरसात मुतासर आवाज़ टीवी से गालाइंदे बुधायो त ट्राड़ी सब कुछ हाँ यो सरकारी स्कूल मिलो असके कुछ को आया से खाली कुछ को दुख बुड़ी वन माल मता रिज्क सब असा वह कभी अस कुछ न सी बच्चा आंदी बस अस बुख से वेटा असो कें वाठ न हाँ गवर्नमेंट करे करे न करे तो अल्लाह दींदर जान के बुड़ी वो असो माल लुड़ी वो अन्न सब कुछ बार कढ़ी पे उघाड़े अची पता से तो कुछ न तो मिले अल्लाह के वास्ते असो को मदद कर असो कुछ न बतो माल वो फसल वो टों अस वेठा बुखन से कई भी शे हेल्प न थो मल ती अस बच्चा बुख से न टपड़ा न हंधा कई भी शो भर मेहरबानी गवर्नमेंट के अपील था क्यों तो जो भी थी सके हेल्प कन जे सियासी समाजी अगवाणन तोड़े डीसी ऑफिस का मोकिलियल नुमाइंदे आवाज टीवी से गालाइंदे चयो त जेके असलोका इतां जा वारिस आहिन जिन जा गोठ ड्रहन था जिन जा घर ड्रहन था अजा ड्रही पड़ता थन बार माल मता सब लुड़न था उते सिंध सरकार कन अखियो बंद करे बैठी आए। सिंध में बरसात तबाही आंदी आ सिंध हुकूमत के सा अपील कयूं ता त फौरी तौर कराची में सरकारी जमीन पयूं तमाम घणी फ्लैट पयूं फौरी तौर राश दिनी वने मुकम्मल तौर सिंध जो हर जिलो तबाह थियो आ 2010 जी बोर खां खत नाक बोर्ड आई आ सरकार इंतजामिया इतने गडी आन उन तरफा भी का भी अड़ी को बंदोबस्त को भी अड़ो को कहो जैसे उन्होंने रहा सकते इन असा कराची जहाँ जे मलीर में या बेन जिलों में जो भी सोशल दोस्त आन सियासी समाजी कारकुन आन कौमी कारकुन आन उन गजी सजी मलीर में होदे सचल के पास दे या मवाच वाले पास दे जिथे जिथे मदद कर सन पे उन हिसाब से किथे किन दोस्त के घर में रहा सा मोकिलो तो मुख्तार कारब के थ्रू आई आयो अस इत मुतासर थे मूल जो भी आई इतने पिपरी में उनकी भी लिस्ट ठाए कर जो तस्वीर ठाए डीसी साहब के रवानी इमदाद होंगी उन मोको बरसात मुतासर तूफानी बरसात का बनी बार अजन का महरूम थे बीमार बुखन जो शिकार थे लगा हुआसें मजबूर थी कराची पौता आयु कुछ ना है बचो इन सिंध हुकूमत संदन वार कर रिहायश रोजगार फराहम कर में मदद करें। कैमरामैन अब्दुल लतीफ बुग्यो सा गड मंजूर सोलंगी आवाज़ टीवी गड़ा।